तत्वार सूत्र तीसरा अध्याय, पांच सूत्र अपने हो गए, छठे सूत्र का वर्णन करना है। पांच सूत्र तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, पांच सूत्र हो गए ना। पहले सूत्र में किसका वर्णन था? सात पृथ्वियों का। नरक कहाँ है, नरक की जगह कहाँ है? ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हो कि नरक कहीं है, और यदि है तो कहाँ है, किस जगह है, जिस जगह उन पृथ्वियों के नाम क्या है, कैसी उनकी स्थिति है, उनके नीचे क्या है उन पृथ्वियों के, उनके ऊपर क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, चारों दिशाओं में क्या है, कहाँ उनकी स्थिति है, माने नरक के जीवों की स्थिति कहाँ है, उनका उनका क्षेत्र कहाँ है, वो पहले सूत्र में बताया था। और उन नरकों के नाम क्या है, जिन नरकों में नारकी रहते हैं उन नरकों के नाम क्या है, जिस जगह रहते हैं उन पृथ्वियों के नाम क्या है। फिर दूसरे सूत्र में वो नारकियों के जो रहने के बिल है, बिल है उनके अपने रहने के क्या होते हैं, घर, देवों के रहने अपने रहने के घर होते हैं, नगर कहलाते हैं ना, और देवों के रहने के विमान होते हैं, नारकियों के रहने के क्या कहलाते हैं, बिल। उन बिल कितने हैं एक एक नरक में, पहले नरक में कितने बिल है, दूसरे में कितने बिल है, उन बिलों की संख्या बताई थी। कि तीसरे नरक में एक तीसरे सूत्र में नारकियों के नित्य ही नीचे नीचे अशुभतर लेश्या है, परिणाम है, देह है, वेदना है, विक्रिया है, पांच चीजें उनके अशुभतर है नीचे नीचे के। क्या पांच चीजें? लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया। लेश्या का अर्थ दूसरे अध्याय में बताया है। परिणाम किसे कहते हैं? यहाँ परिणाम किसे कहा? स्पर्श रस गंध वर्ण के परिणमन को ही यहाँ परिणाम कहा है। माने नारकियों के स्पर्श रस गंध वर्ण जो है नीचे नीचे अशुभतर होते गए। किसे परिणाम कहा है? यहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण के परिणाम को परिणाम का, स्पर्श रस गंध वर्ण का जो परिणमन है, जो अवस्था है, उसको यहाँ क्या कहा है? यहाँ परिणाम। माने स्पर्श रस गंध वर्ण की अवस्थाएं नीचे नीचे अशुभ होती गई, नीचे नीचे अशुभ स्पर्श, अशुभ रस, अशुभ गंध और अशुभ वर्ण है। स्पर्श रस गंध वर्ण तो मालूम होगा ना, किसे कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण? किसे कहते हैं स्पर्श? स्पर्श रस गंध वर्ण अशुभ का क्या मतलब? नीचे नीचे अशुभ है। और मिट्टी जो है बहुत ही विषैली है, गंध भी उनके शरीर का गंध भी बहुत बुरी है। मैंने उनके शरीर का जो स्पर्श और गंध वर्ण है वो बुरा से बुरा होते जा रहा है। सर्दी गर्मी बढ़ती जा रही है, रस जो है मिट्टी का रस बुरा होता जा रहा है, गंध जो है दुर्गंध बढ़ती जा रही है। क्या भयंकर दुर्गंध नीचे नीचे के नरक, जैसे कितने ही चूहे सड़ रहे हों, मरे हुए जिंदा नहीं, मरे, कितने ही चूहे सड़ते तो कैसी बास आती है, कितने सैकड़ों चूहे, बिल्ली, कुत्ते, गधे, ये तो छोटे छोटे हैं, सैकड़ों हाथी, ऊंट, शेर, ये सैकड़ों सड़ते रहे, और इनका जो दुर्गंध होती है, सैकड़ों बड़े बड़े जीवों के मरने की जो दुर्गंध आती है, उससे भी भयंकर दुर्गंध नरक के बिलों की है, इतनी भयंकर दुर्गंध है। और नीचे नीचे ज़्यादा दुर्गंध है, एक क्षण भी नहीं सह सकते,
एक क्षण में, मतलब वहां की पृथ्वी का एक मिट्टी का एक कण भी आ जाए तो उसकी दुर्गंध मात्र से 600 किलोमीटर के जीव मर जाए, इतनी भयंकर दुर्गंध होती है। आदमी बांधता हसस के और भुगतता रो रो के, धन समाज रुपये पैसे मरा करता, इतना संकोच करता, लड़ाई झगड़ा क्या। अभी एक आदमी मैंने सुबह सुबह देखा, लड़ लिया, क्यों, तुमने मेरे पिताजी का नाम नहीं छापा इस पत्रिका क्या? मैंने कहा छप गया, अब तो पिताजी भी गए, सब हो गया, नहीं लड़ के रहूंगा, अब क्या होगा, अब होगा क्या, क्या पिताजी गए, पिताजी चले भी गए, हो भी गया सब, अब वो अपने पिताजी के नाम के लिए लड़ रही है क्या। मैंने लोग बोलते क्या है और करते क्या है समझ में नहीं आता मेरे। यहाँ तो वो स्वाध्याय में क्या सुन के गया कि अपनी देह भी अपनी नहीं है क्या, और ये अपने मरे बाप को रो रहा है क्या, मतलब कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है कि देह अपनी नहीं है, ये वाली जो अपनी है, और जो अपने मृत पिता है, मैंने याद तो अपने खुद की भी नहीं करनी चाहिए, जो पर्याय गई से गई, क्यों, जिंदा भी हो पिताजी तो है, तो है ये जिंदा की तो छोड़ो, ये तो गए जो भक्ता ही हो गया जिनके गए के, और उनकी नाम की दुखी हो रही है ये। धन तो ठीक है, धन की तो आजकल क्या है, धन तो पैसे खूब है लोगों के पास, अब लोग आजकल धन से जो है, समाज मेरा है, ये समाज मेरा है, कुटुंब मेरा है, ये परिग्रह है, धन समाज गज बाज राज ये सब, ये भी कोई कम परिग्रह तो ही नहीं, लोग मर रहे हैं इसलिए क्या। तो ये भाई क्या है अपना, जहाँ देह अपनी नहीं, तान अपना कोई और कोई अपना नहीं, और हमारे चित्त में क्या पड़ा हुआ अपने, और वास्तव में तो एक्चुअल में नाम कराना है अपना खुद का, पिताजी तो सब ठीक है क्या, तो ये कोई परिणति अच्छी नहीं है, मतलब हम जो बोल रहे हैं और हमारा चिंतन कुछ और ही बोल रहा है क्या। अपने यहाँ पे कभी ये सब चीज़ें होती थी, ये श्राद्ध जो है ना, ये हिंदुओं में मनाया जाता है, वो अपने मरे पिता की हरी स्मृति में पहले साल दूसरे साल तीसरे साल मरते रहते हैं, वो भी उनके ब्राह्मण खाते हैं, क्योंकि उनके ब्राह्मणों ने क्या रखा है, क्योंकि तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम हमको खिलाओ तो उनके यहाँ पे ब्राह्मण खाते हैं, और ब्राह्मण खाते हैं और ये मानते हैं कि उनके पिताजी के पेट में जा रहे हैं, कि ब्राह्मणों ने अपने बच्चों की पीढ़ी का ऐसा उपाय निकाल रखा है, बिना कमाए वो निकाल गए उपाय, और ये कमा कमा के मर गए बनी है, कुछ भी उपाय नहीं निकाल पाए, उन्होंने एक लिख दी कि भाई तुम हमारे बच्चों को खिलाओगे, मैंने ब्राह्मण को जो खिलाएगा तो उससे इनकी इनकी पिता की आत्मा की शांति मिल जाएगी, ऐसे होता है शाद उनका, अपने नहीं ये सब, अपन तो किसी के अपने किसी के मरने के उपलक्ष्य में कुछ नहीं मनाते, और ऐसे मनाने लग जाए तो हरेक क्या कोई ना कोई मना है क्यों, आखिर अपने भी पिताजी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फिर उनका मना होगा, मेरे पिताजी की प्रथम स्थिति, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, चौथी तिथि क्या, इस मंदिर के जितने ट्रस्टी है सब अपने अपने पिता का मना लग जाए तो पंचकल्याण एक तरफ हो जाए, भगवान का जन्म दिवस निर्माण तो एक तरफ हो जाए, और ये काम चालू हो जाए क्या। अपन तो मनाते ही अपने यहाँ नहीं मनाई जाती है सब, अपने यहाँ तो अपन केवल भगवान जो है जिनेन्द्र, उनके पांच कल्याणक है, पंच कल्याणक, उसके अलावा हम किसी का नहीं मनाते क्या। 24 तीर्थंकर की गारंटी है कि वो जिनेन्द्र भगवान बन के मुक्ति गए, इसलिए हम उनके पंच कल्याणक धूमधाम से मनाते हैं, और 24 तीर्थंकर के अलावा चाहे कोई माइकल लाल आ जाए, ना उसका कोई जन्म मनाया जाता है, ना उसका कोई निर्वाण हुआ है, ना उसका कोई दिवस मनाया जाता है, क्या काहे का दिवस है, दिवस किसका हो, जिसके मोक्ष की गारंटी है उसका दिवस मनाए, जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका दिवस मनाए, नहीं लोगों को मनाने का शौक है मनाए, लेकिन बात तो यह है कि भाई वस्तु स्थिति से विचार करो तो ये कोई सत्यार्थ नहीं है, मैंने तो हमें
हमने जो है अपने पिता के राग में, पिता के उसमें हमने काम तो खोटा किया ना। इसका मतलब अपना परिवार भी, मेरा परिग्रह तो क्या है, परिवार है, कुटुंब है, समाज है, देश है। और दूसरी बात की देखो, लौकिक में कोई कुछ भी करे, यदि मैं मेरे घर में लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरी बहनों को, मेरे बुआओं को और मेरे पिताजी की यादगारी में, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पैसा छोड़ गए या छोड़ के जाने वाले सब लोग, तो मैं मेरी बहनों को बुआओं को खिलाऊँ तो उस पर तो हक है उनका। क्यों हक है? क्योंकि वो मेरे पिताजी ने कमाया, तो आखिर मेरे को मेरी बहनों के लिए बुआओं के लिए कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए एक साथ। तो वो लौकिक दृष्टि से कोई किया गया हो वो भी समझ में आया, लेकिन मैं उसको धर्म मान के और पुण्य मान के और उसको धर्म का रूप दे, तो ये महापाप बन के कारण है। समझ आया? ये कोई धर्म नहीं है इसमें कुछ भी, क्योंकि धर्म चीज ही अलग है। धर्म तो वितरागतामय होती है। धर्म तो हम पंच परमेश्वरी के जो गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है वो कल्याण मनाते हैं। तो इसलिए ये सब काम धर्म के नाम पे किए जाए तो पाप बंध के कारण है, क्योंकि जो काम हमारे 2500 साल में हमारे पूर्वजों ने नहीं किया वो काम हम चालू करें। खोटी परंपरा चालू करें तो ये हम खोटी गति के लिए आमंत्रण नहीं करें तो काहे के लिए आमंत्रण करें क्या? तो कितने नरक है, नरक का भय हो गया ना कि ये नीचे ऐसे ऐसे जाएंगे तो ऐसे ऐसे काम होंगे, नीचे नीचे जाएंगे तो अशुभ रस, अशुभ गंध, अशुभ वर्ण और अशुभ स्पर्श मिलने वाला है। यहाँ भले ही एसी की ठंडक में रह ले, लेकिन यदि काम खोटे होंगे तो ऐसे काम होंगे। भले ही दद्दा जी जो है मरते दम तक एसी में मरे हो, हॉस्पिटल में मरेगा तो एसी में मरेगा ना, लेकिन वो नीचे जाएंगे तो नीचे नरक ही है उसके सीधे। और क्या है नीचे? नीचे नारकियों के नीचे अशुभ तल निश्चया है, परिणाम है। और दे नीचे अशुभ से अशुभ होती गई है। देह ऊंची ऊंची है, दुनी दुनी है देह की ऊंचाई, लेकिन है अशुभ से अशुभ। भले वो शरीर की ऊंचाई बढ़ रही हो, लेकिन शरीर की जो, शरीर का जो संस्थान आदि है वो नीचे नीचे क्या है? अशुभ है। अशुभ लेष्या प्रणाम दे। वेदना नीचे नीचे क्या है? अशुभ है। भयंकर वेदना है, भयंकर। एक साथ शरीर में उनके करोड़ों रोग होते हैं एक साथ। मैंने नारकियों की जो पीड़ा है वो भगवान जिनेन्द्र जी जानते हैं, अथवा नारकी जानते हैं। उनकी जो वेदना है शरीर की वेदना, वो नीचे नीचे अशुभतर है। और अंतिम क्या है अशुभतर? उनकी विक्रिया खतरनाक विक्रिया करते हैं। नीचे नीचे के नारकी जो है खतरनाक है, उनके शरीर की विक्रिया, मैंने विक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, अपने शरीर को अनेक रूप बना लेना, अन्य रूप बना लेना, ये विक्रिया कहलाती है। जैसे अपने शरीर को तलवार बना ले, शेर बना ले, चीता बना ले, भालू बना ले, ऊंट बना ले, मगरमच्छ बना ले, क्या चील गिद्ध बना ले, तो ये अशुभ विक्रिया है नीचे नीचे। तो ये वाला सूत्र सबसे ज्यादा काम का है। इसमें अपने जो पीछे के 5 सूत्र पढ़े थे उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र ये है, नारका नित्याशुक्तलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकियों के नित्य अशुक्तल लेश्या है, परिणाम है देह वेदना विक्रिया। इनकी लेश्या अशुभ है। कौन सी लेश्या है? 7 नरक में कश्मीर का पोती, पहले 3 नरक में, चौथे पांचवे में, छठे सातवें में कृष्ण, ये ध्यान रखना ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला सूत्र था, अगला सूत्र क्या था? चौथा, परस्पर दिलि दुखा। ये परस्पर में एक दूसरे को दुख देते, इनको उसमें मजा आता है। अगर नारकी कहलाती तभी है, नहीं है रति परस्पर में जिनके वे कहलाते हैं नारकी। क्या है इनका शाब्दिक अर्थ कर तो नारत, नारत से बनता है नारकी। नहीं है रति परस्पर में जिन्हें वे क्या कहलाते हैं नारकी। दो कारणों से नारकी कहलाते हैं, एक तो परस्पर में इनको रति नहीं होती, दूसरे वहां के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रति नहीं होती, इसलिए इनका नारकी नाम दिया है। गोमट सार जीव कांड में जो इनकी व्युत्पत्ति की है नारक की, वो इसी तरह से की है। नहीं है रति परस्पर में जिनके वे क्या है नारकी। रति नहीं है। और दूसरा, जिन्हें वहां के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रति नहीं है, कहां के? नरक के।
नरक के द्रव्य माने नरक की जो सामग्री है उसमें रति नहीं होती किसी नारकी को। नरक में ऐसी कोई सामग्री नहीं जो वहाँ की जो वहाँ पर रति का कारण हो। जैसे इस लोक में इतनी कई सामग्री है जो आदमी के रति का कारण होती है, यहाँ गर्मी लग रही है तो घर पे एसी रति का कारण होता, थक के आ जाता है अपने घर में, अपने को थोड़ा चैन मिलने लग जाता, आराम मिल जाता। दो बात किसी ने बुरी बोल दी हो तो पर अपने इष्ट मित्रों के पास चले जाते हैं, वो अपनी प्रशंसा करते हैं, प्रेम मिल जाता है। पर देश में अपने को रति होती तो अपन अपने देश आ जाते, रति लगती होता है ना। कहीं गर्म क्षेत्र में से कई लोग ठंडक में चले जाते हैं इन दिनों, वहाँ रति कर लेते हैं। किसी को काल में रति होने लगती है, क्या ठंडक में रति होती है, गर्मी बिता देते हैं कैसे भी करके, ठंडी आ जाएगी तो बारिश के दिन आ जाएंगे, बारिश में रति नहीं होती ठंडक में हो जाती है, किसी को ठंडक में नहीं तो गर्मी में रति हो जाती है। मैंने रति का काल भी मौजूद है और रति अनुसार यहाँ भाव भी होते हैं। अपने जो भाव उन भाव में अपने को प्रीति होती है, ये भाव अच्छे हो, ये धर्म के परिणाम हो। इसको भगाओ, चल जाइए खेत, चला चूहा तो नहीं घूम रहा ना कोई यहाँ है, फिर जाइए जाके बहुत खतरनाक है वो। हाँ प्रवचन सुनने नहीं आती हो कोई अपने, नहीं राग मतलब ऐसा कोई राग इसी चीज का है, अपने शरीर का दूसरे को मारने का, उसमें तो द्वेष बुद्धि ही है, उनके माया और लोभ की मंदता है और क्रोध और मान की तीव्रता है, माया और लोभ मंद, इसलिए राग रूप कषाय जो है वो मंद है, लोभ नहीं है उनको किसी चीज का, उनको तो मारने का क्रोध ज्यादा है। माया भी छल कपट करते हैं मारने के लिए, चुपचाप बैठे रहेंगे घात लगा के, जैसे ही आएगा रस्सी लगा के बैठेंगे, रस्सी से खींच लेंगे। क्रोध मान तीव्र है, मान भी बहुत तीव्र, सम्यक दृष्टि होता है उसके भी कषाय की मंदता नहीं होती है, मतलब वो कापोत नील और कृष्ण रेशिया को छोड़ के कोई शुभ रेशिया नहीं हो जाएगी उसके, भाई इतनी है कि कापोत की तीव्रता से मंदता में आ जाएगा, और वो भी जितनी डिग्री है जितना हो सकता है संभव उस नरक में उतना ही होगा। जैसे कृष्ण रेशिया है तो कृष्ण छोड़ के कोई नील नहीं हो जाएगी, परम कृष्ण है तो परम कृष्ण रहेगी, लेकिन परम कृष्ण की भी असंख्यात वेराइटी है, सबसे ऊंची से सबसे नीची जो संभव हो सकती है उस नरक में वो हो सकती है, रहेगा द्वेष ही, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे वहां से निकल के तीर्थंकर भी बनने वाला हो, लेकिन उसकी भी लेशिया अशुभ भी रहेगी। वो अपने मारने के लिए नहीं लड़ेगा, अपने बचाव के लिए लड़ेगा, लड़ेगा भिड़ेगा वो भी। 6 महीने पहले जरूर एक व्यवस्था होती है कि अब यहाँ तो उसके लिए रत्न बरसे और वहाँ डंडे बरसे, ऐसा तो नहीं होएगा ना, तो 6 महीने पहले उसके आसपास चारों तरफ एक बागड़ लग जाती है जिससे कोई उसको वहाँ पीड़ा नहीं दे सके, परस्पर में दिए जाने वाले दुख उसको 6 महीने पहले से बंद हो जाते हैं, लेकिन बाकी सर्दी गर्मी के भूख प्यास के दुख तो वो 6 महीने में भी उसको भुगतने पड़ते हैं। क्या केवल 6 महीने पहले व्यवस्था होती है कि कोई उसको मारने नहीं आएगा, अब एक तरफ कोई डंडे खा रहा हो तो इधर उसी के लिए रत्न बरसाए जा रहे हो, तो ये बड़ा अजीब गरीब लगता है ना, क्या यहाँ लोग रत्न ले रहे हैं उसके नाम के और खुश हो रहे हैं भगवान आने वाले हैं, हे कहाँ अभी अभी तो डंडे खा रहे हैं खुद लगभग। तो इसलिए तीर्थंकर की एक अकेले ही व्यवस्था है कि 6 महीने पहले से ही उनके लिए नरक के अंदर ऐसी चारों तरफ बागड़ लग जाती है कि जिससे उनको खुद को दूसरों के द्वारा दिए गए दुख नहीं भोगने पड़ते, ऐसी व्यवस्था है। तीर्थंकर केवली योली के लिए तो रत्न बरसते हैं, केवल पंच कल्याणक जिनके होते हैं उन्हीं के लिए व्यवस्था है, क्योंकि उनके गर्भ कल्याणक के पहले 6 महीने पहले रत्न बरसते हैं, बाकी सबके लिए तो ही रत्न बरसते हैं। बागड़ लग जाती है जैसे परिणाम भी मंद होते हैं, लेकिन कषाय को वो कापोत से नीचे नहीं जाती, कापोत से पीठ पे नहीं जाती। तो तीर्थंकर और तीर्थंकर का कोई भी हो, लेकिन कापोत लेष्टिया को छोड़ के 3 काल में कभी भी किसी की पीठ लेष्टिया भी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं होगी। अनंत काल तक ये व्यवस्था चलती रहेगी, अनंत काल बाद भी यदि अपन नरक पड़ेंगे तो नरक की यही व्यवस्था रहेगी, नरक के अंदर कापोत नील और कृष्ण रेशिया ही रहेगी, कभी किसी जीव के वहाँ अच्छे परिणाम होने वाले नहीं है।
देखो फिर भी मानने बिगड़ने की बात सही है, लेकिन क्या करें वहाँ की परिस्थिति ऐसी है ना, तो ऐसे तीव्र कर्म नहीं बांधते। और दूसरी बात, यहाँ बिना मतलब के गुरु को लड़ लेते हैं, वो ज़्यादा तीव्र कर्म बांधता नहीं, तो भी एक क्षण में खोज खोज खत्म कर देते हैं सम्यक के बल से। और आगामी जो वो रत्नत्रय का पालन करके आत्म आराधना करके वो एक अंतर्मन में उन सब कर्मों को छुपा देते हैं। इतना बल है उसका, तपश्रम का इतना बल भी है, आत्मा की आराधना का इतना इतनी ताकत है उसमें, एक अंतर्मन में जीव अनेक के अनेक भावों के बांधे हुए कर्मों को छुपा सकता है, कर देते छिपा। बुरा किया तो ठीक, लेकिन बुरा करने के बाद अच्छा कर दो तो थोड़ा भी अच्छा सही रीति से किया हो तो उससे वो कर्म छिपा दो। तो उनका कोई जरूरी नहीं है, ये तो जिनके पंच कल्याण होते हैं उनके ही नियम है। जिनके गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले रत्न बरसते हैं उन्हीं के नियम है, तो जिनका गर्भ कल्याण होगा उन्हीं के 6 महीने पहले रत्न बरसेंगे, बाकी तीर्थंकरों के रत्न नहीं बरसते। केवल जिनकी तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में होती है, तो पहले से ही भाव में बांध ली जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति, तो वो सत्ता में जिनके पड़ी होती है वो जब जन्म लेते हैं, कोई भी तीर्थंकर प्रकृति सही यदि जन्म लेता है उसका नियम है कि वो उसी भाव से पंच कल्याण होकर वो मोक्ष जाएगा, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति पहले से बांध के आया। यदि पहले से बांध के नहीं आया है तो वो उसके पुण्य बंधे ही नहीं अभी, तो उसका उदय कैसे आने लग जाएगा, समझा ना। तीर्थंकर प्रकृति उसने बांधी नहीं, तो बांधी नहीं है तो उसके कल्याण काय का, कल्याण तो उसका है जिसने पहले से बांध ली है, तो उसके पंच कल्याण को नहीं, समझा। तीर्थंकर ऐसे भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले 3 कल्याणक वाले, यहाँ पैदा होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधी जन्म के बाद, फिर दीक्षा हुई तो दीक्षा कल्याण तब बनेगा, फिर मोक्ष ज्ञान भी बनेगा मोक्ष बनेगा। अथवा मुनि अवस्था धारण करने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधी तब उनके 2 कल्याणक बनेंगे, कौन कौन से, ज्ञान और मोक्ष। आपको मालूम चल जाए, उनको नहीं मालूम चलेगा, उनको सपने आते हैं माँ को 16। नरक से ये नरक में है कि नहीं है वो अवधि ज्ञान हो यदि उसके पिताजी को बता सकते हैं, सपने से भी पता चल जाता है, सपना वो वाला नहीं आएगा नरक वाला, लेकिन वो अवधि ज्ञान के द्वारा बता सकते हैं यदि अवधि ज्ञान से युक्त है तो, क्यों नहीं बता सकते कहाँ से आएंगे। सपने आते हैं इन सबको, किनको, तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न, उस स्वप्न में एक स्वप्न होता है कि स्वर्ग से विमान यहाँ आया, तो उसका वो अर्थ निकालते हैं कि वो स्वर्ग लोक से आएगा, और जिनके वो नरक से आने वाले होते हैं तो वो वाला सपना नहीं आता उनका, नहीं तो वो सपना मतलब वो आएगा ही नहीं सपना, उनके दूसरी टाइप का सपना आता है जो भी आता है। सर ये व्यवस्था है, तो ये तीसरे नरक तक, अब इसके बाद में तीसरे नरक तक संक्लिष्ट जाति के जो असुर कुमार देव हैं हम अम्बरीश जाति के, वो तीसरे नरक तक जाकर इन नारकियों को क्या करते हैं, दुख देते हैं, परस्पर में भिड़ाते हैं, नहीं लड़ रहे हैं तो कहते लड़ो क्या, ऐसे जी है संक्लिष्ट जाति के, इनकी तैयारी है, ये अभी इनकी नरक में जाने की तैयारी, अभी नहीं जाएंगे सीधे सीधे ये, तो बाद में जाएंगे, क्योंकि इनको ही मजा काहे में आ रहा है लड़ने भिड़ने। अब देखो इनमें कितने सागर की स्थिति व्यतीत करते हैं, कितने समय तक नारकी जीव नरक में रहता है उसका वर्णन है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी इन नरकों की, पहले नरक की उत्कृष्ट, दूसरे की ऐसे सातवें नरक की उत्कृष्ट स्थिति। तेष वेद 3, 7, 10, 7, 10 द्वाविंशति त्रयस्त्रिशत सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। तेष्वेक मैंने तेसु, उसको यदि अपन यदि संधि से तोड़ेंगे तो तेषु और फिर हो जाएगा एक, ये उ होता है ना
ऊ के सामने यदि अ आ ई कुछ भी हो तो ऊ का हो जाता है व, क्या हो जाता है, ऊ का व हो जाता है। कोई भी स्वर ऊ के सामने होगा माने तेषु प्लस एक, तो ऊ के सामने क्या है, तेष श है ना, षटकोण का, उसके नीचे क्या है, ऊ है ना, तो वो ऊ के सामने क्या है, ए, तो एक स्वर आ गया ना ऊ के सामने, तो वो ऊ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तो ऊ गया तो जो षटकोण है आधा ले जाएगा, तो आधा षटकोण हो गया और ऊ का व हो गया आधा, व आधा रहा और व में एक जाके क्या हो गया, मिल गया, तो व का हो गया वे, तो तेष वेक, समझ में आ रहा है, तेष वेक, हमने उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तेषु एक, तेष वेक, तो तेषु उनमें, किन में, नरकों में, एक माने एक, त्रि माने तीन, सप्त माने सात, दस माने दस, सप्त दस माने सत्रह, द्वाविंशति माने बाईस, और त्रयम त्रिशत, त्रिंशत माने त्रिंशत, त्रिंशत नहीं त्रिंशत, त्रिशत माने, त्रिशत माने तीस, त्रिशत शत पूरा होता ना, सत पूरा होता तो सो होता, सत क्या है वहां पे, आधा, तो शत आधा ना, बीस, एक शत दो माने त्रिंशत माने तीस, त्रिंशत माने तीस, और त्रयन त्रिशत, तो त्रय भी आ गए ना, तीस में तीन और जोड़ दिए तो क्या हो गए, तैतीस, आया समझ, त्रयन त्रिशत, संस्कृत की गिनती किसी को याद, याद है तभी बताओ, अच्छा इक्कीस, इक्कीस बताओ, इक्कीस, एकाविंशति, एकाविंशति है, अभी अपन ने पढ़ा द्वाविंशति, बस वो एक को विंशति में जोड़ दो, जैसे त्रय त्रयोदश तेरह, त्रय विंशति तेईस, और तीस में त्रय जोड़ो, त्रयं त्रिशत तैतीस, समझ आ रही बात, आ रही, मतलब ये संस्कृत है थोड़ी सरल है, तो त्रय त्रिंशत, त्रय माने तीन और त्रिंशत माने तीस, तीस और तीन तैतीस, सागरोपमा, किस सागरोपम, सागर की ये उपमा जिसको, उसको कहते हैं सागरोपम, क्या होता है, कुछ चीज़ों को अपन इसलिए नाप सकते हैं, जैसे इनकी उम्र इतनी बड़ी बड़ी होती है कि इनको अपन वर्षों वर्षों में नाप सकते, तो इनकी इनकी उम्र के लिए उपमा दे दी जाती है, समझ में आया ना, वो उपमाएं जो है, उपमा आठ प्रकार से दी जाती है, उसमें से दो सबसे ज़्यादा काम आती है, दो अभी तो अपने काम की तो या दो ही है ना, उन्हीं की बात करें, वैसे दो और भी काम आती है, एक तो पल्ले, पुराने ज़माने में अनाज को पल्ले माने गड्ढे से नापते थे, क्या करते थे, गड्ढे में अनाज भरते थे, और गड्ढे में अनाज भर के वो गड्ढे का नाप होता था, एक गड्ढा भर लिया उस गड्ढे में पाँच किलो अनाज आ जाता था, तो पाँच किलो का वही नाप होता था, और वो किसी को पाँच किलो मांगने आया तो गड्ढे में भरा और गड्ढे में से निकाल के दे दिया, तो वो उसको कहते थे पल्ले माने गड्ढा, गड्ढा भरने का, और कितनी चीज़ें आएगी उसमें बिल्कुल फिक्स आती थी, इतनी चीज़ें आती थी उसमें, तो ऐसे ही यहाँ पे पल्ले जो है वो गड्ढा है, तो गड्ढे में बाल भरते हैं और बाल को सौ सौ साल में निकाल के उसकी उपमा से वो समझा जाता है कि टाइम कितना हुआ, और ऐसे ही सागरोपम, तो सागर की उपमा, कौन से सागर की, तो अपने जम्बूद्वीप को घेर के कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र, तो वो लवण समुद्र जितनी देर में खाली हो जाएगा, लवण समुद्र को यदि खाली करें अपन, तो वो लवण समुद्र जितनी देर में खाली होता है उसको कहते हैं एक सागरोपम, तो इसका क्या होता है कि इसके जो बाल होते हैं ना लवण समुद्र के अंदर, तो छः बाल के बराबर जल निकलने में 25 समय लगता है, ये एक थ्योरी है, बाल होते हैं बाल के अंदर एक जल की बूंद टच करे, अपना बाल निकालो समुद्र, अपना बाल नहीं और भूमि के मेंढे का बाल लो, किसी का ही बाल लो, तो अब वो एक बाल अपने जल में डुबोया और वो जल इधर डाल दिया डुबो के, फिर एक बाल और एक वापिस से बाल जल में डुबोया इधर, ऐसे छः बूंद, छः बाल के बराबर जो बूंद होगी, छः बाल के ऊपर से जल निकाल के इधर डाला, उसको निकलने में कितना समय लगता है, 25 समय,
तो उससे पूरा लवण समुद्र है। लवण समुद्र में जो 1 लाख 2 लाख जिसका व्यास है, 10,000 योजन गहरा है ना, 1,000 जितने भी गहरा है, तो उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको जितना खाली करने में टाइम लगता है उसको कहते हैं एक सागर। क्या तो निकालना सरल है, पल निकालते हैं पहले, मैंने एक गड्ढे में कितना चलाएगा, तो गड्ढे, अब वो गड्ढे कितने आएंगे एक सागर में? जैसे अपन ने गड्ढे का निकाल दिया, भाई ये गड्ढा जो है, ये गड्ढा इतना हुआ, इस गड्ढे में इतने रोम भरेंगे और रोमों को इतने समय में निकालेंगे, तो गड्ढे की इक्वेशन निकाल ली, गड्ढा पूरा समझ लिया। फिर वो गड्ढे यदि समुद्र में डालेंगे तो वो समुद्र में कितने गड्ढे आएंगे, तो इसलिए एक सागर में गड्ढे कितने होते हैं, मैंने एक सागर में पल कितने होते हैं, तो पल्ले निकाल लेंगे पहले और फिर पल्ले के बाद सागर निकालते हैं। तो एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं, तो वो इसलिए कि भाई एक समुद्र में, मैंने लवण समुद्र में कितने गड्ढे मार सकते हैं, समझ में? तो इस तरह से निकाले गए, ये बहुत विस्तार है इनका, काल बहुत लंबा है, इतना लंबा काल है कि आप बस, अपन ने उसकी उपमा ही दे दी थी, भैया ये कैलकुलेशन के बाहर है, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, तो इसलिए तू इसको उपमा से ही समझ ले कि कितना काल है। जैसे अपन यूँ कहें, समझ लो 100 साल के अंदर कोई मैना कोई भी पक्षी और हर 100 साल के अंदर जाए और हिमालय पर्वत पे एक चोच मार के आए, और ऐसे करते करते जितने दिनों में हिमालय पर्वत नष्ट हो जाए, तो उपमा दी ना, ये होने वाला नहीं, लेकिन उससे अंदाजा लग सकता है कि कितना लंबा काल है। ऐसे ही इनका काल है, ये हिमालय भी एक बार नष्ट हो जाए, लेकिन ये जो सागर पंप का काल है वो उससे भी बड़ा है। इतने इतने लंबे लंबे साल तक, इतने इतने लंबे लंबे काल तक ये जीव नरक में पड़ा है। असंख्यात 24 हो जाती है, मोक्ष चली जाती है, 24 असंख्यात तीर्थंकर, विदेश क्षेत्र में असंख्यात तीर्थंकर हो जाते हैं, 1-1 करोड़ पूर्व की आयु वाले, और एक नारकी एक नरक से बाहर निकल पाता, बहुत लंबी आयु। मैंने मोटा मोटा समझो अपन तो 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्षों का क्या होता है, 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष, 70,56,000 करोड़ वर्ष का क्या होता है, 70,56,000 करोड़ वर्ष एक बार बीत जाए उसको कहते हैं एक पूर्व। ऐसे 70,56,000 करोड़ वर्ष करोड़ बार बीते तो क्या कहलाता है, वो 1 करोड़ पूर्व। ऐसे असंख्यात करोड़ पूर्व एक पल में होते हैं, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल का एक सागर होता है, बहुत लंबी आयु होती है। मनुष्यों की आयु बहुत कम गिनती की, ये तो जिंदगी इनकी ऐसी बीतती फुट, 100 साल तो कोई चीज ही नहीं है, और नरक के अंदर आयु इतनी लंबी है कि भैया जी निकलते ही नहीं घुसने वाले नरक में, स्वर्गों में, इनमें आयु बहुत बड़ी बड़ी है, और मनुष्य और त्रियंशों की आयु बहुत छोटी है, खासकर कर्मभूमि जीवों की आयु बहुत छोटी है, 100 साल की अभी आयु कितनी है, 100 साल भी कितने जल्दी तेजी से बीतते हैं, देखते देखते 10 साल 20 साल 30 साल एक दिन अपने सब जो है चले जाएंगे, अपने देखते देखते कितनी साली तो उम्र बीत गई, और जो अब बच्ची खुची होगी फटाफट बीत रही है, हैं? अरे भूकंप आ रहा आएगा जो आएगा, तो क्या तो मतलब किसका कोई ठिकाना था ही नहीं है। आयु तो जिनकी पूरी है उनको कह रहे हैं, अपन तो कहीं कुछ नहीं होने वाला, अपने तो कोई चिंता की बात नहीं, क्या भूकंप वहाँ आए जहाँ ये बलि दी जाती हो, इतने सारे लाखों लोगों की एक साथ बलि देते हैं वो नेपाल वाले लोग, क्या तुम्हारे लिए इकट्ठे एक साथ, या अपने इंदौर में कोई नहीं देते ऐसे बलि, देते होंगे उस मोहल्ले में आएंगे क्या? ओ ऐसी होती है और क्या, सब इकट्ठे एक साथ मरते हैं, पाप का बल इकट्ठा भुगतते हैं एक साथ, भयंकर बलि प्रथा, भयंकर नेपाल के अंदर, मैंने कभी कांच के कोई फोटो भेजा था किसी ने, लाखों बकरियों को एक साथ मारते, लाखों, उनके अभी बकरियां कम पड़ गई, गायें कम पड़ रही, भूखे मरते हैं, परंतु बकरी मारना नहीं छोड़ते, वो सोचते हैं इससे जो है देव ही प्रसन्न होगी, एक तो पहले ही गरीब है और अकल एक कोड़ी की नहीं, भयंकर दुखी है, और यही करते हैं, उन्हें देवी देवताओं को विश्वास है, देवी देवताओं को मारते हैं, ये उत्तर भारत उत्तर पूर्वी जो जितने राज्य हैं इन्हें बहुत स्थिति खराब, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और उधर जाते जाओ
वो नेपाल में तो वो सीधे काठमांडू में इनमें और बलि देना वहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाव कर रखा। गवर्नमेंट कहती कि हम मना नहीं कर सकते, हमको वोट नहीं मिलेंगे इनके, वोट के चक्कर में मारो, हमारा क्या कहना, पशु मर रहे मारो। अपने में भी ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर बकरियाँ कम पड़ गई थी तो उन्होंने कहा तुम भैंसे मारो, बकरियाँ कम पड़ गई सब बकरियाँ ख़त्म करने लगी, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं बकरी नहीं मार सकते भैंसे मारो। अरे इतने क्रूर लोग हैं, इतने क्रूर। कभी आप आगरा की गलियों में चले जाओ क्या, तो आप कुछ गलियों में तो जा नहीं सकते, भैंसे होती ना भैंसे पड़े बंदी लेती सुबह सुबह, वो ले तलवार ले लेके धड़ा 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 मार दिया, खून की नदियां रहती सड़क पर। क्रूर लोग हैं ऐसे भयंकर, पशुओं के मांस तो ऐसा यूं सामने के सामने ऐसा खड़ा खुला का खुला बिकता है, मांस चर्बी, लेदर की फैक्ट्री उधर खूब लेदर की फैक्ट्री है, सस्ता लेदर मिलता है तो सस्ता लेदर के भैंसे होते हैं, भैंसे मारते हैं लपक लपक क्या बड़े बड़े जानवर क्या। मेरे को तो एक बार मैं गया था वहां पे, तो एक आदमी ने मेरे को इधर मत चले जाना। तब ऐसे लोगों का इकट्ठा एक साथ जिनके परिणाम ऐसे हैं तो उनपे ऐसा हो गया, बकरियां कितनी बकरियां हैं जो है ईद के नाम पे, इसके नाम पे लाखों जीव। अब इसमें क्या धर्म है बताओ, धर्म के नाम पे उसको मार डालते, ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान ही कर पाओ, सब एक से एक। ये जो नेपाल है ये तो हिंदूवादी देश है, मतलब ये हिंदू देश कहलाता, फिर भी बलि देने में नंबर वन है मुसलमान। ये जो क्रिश्चियन है भी कोई कम नहीं, ये लोग जो है ये थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं अमेरिका में और उस दिन सब बदक खाते हैं, सब बदक मारते हैं, बदक को खाते हैं और बदक मार मार के खिलाने का रिवाज है उनका, और थैंक्स थैंक्स एक दूसरे को। वहाँ भी ये समस्या है, तो बदके पैदा करते हैं पोल्ट्री फॉर्म में, बदक पैदा होते हैं नकली, ये नकली मतलब गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दे दे के कर करके, वहाँ भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कुछ लोग समझदार, ये क्या है लाखों बदके, केवल एक 25 करोड़ लोग हैं वहाँ पे, 25 करोड़ लोगों में से वो कितने लोग मनाते हैं उसको, 10-20 करोड़ जो है वो बदके मर जाते हैं बेचारे, क्या करें ऐसे ऐसे लोगों ने निकाल रखे अपने खाने के लिए, उसको धर्म बना रखा है। थैंक्स मी, तो ऐसे है मतलब ये हिंसक है, भयंकर हिंसक है। इनकी परिणति ये यूँ भले ही कुछ भी कहे, ऊपर से सफेद कोट अंदर से इनके काले परिणाम। पारसी लोग, पारसी की भी स्थिति को था, मैंने हिंसा को ये लोग कोई भी गलत मानते ही नहीं, इनके अंतर्ग चित्त में कभी बात करेंगे मानवता की बात करेंगे सब करेंगे, इन पशुओं पे इनको कोई दया नहीं, और वो भी पशुओं पे दया भी कब तक, न्यू एक मतलब पब्लिसिटी के लिए कोई एक गाय कहीं फंस रही होगी तो उसको बचाया जाएगा, पूरी मीडिया बुला लेंगे हमने गाय को बचाया, और यदि इनको ये पता चल जाए कि इस गाय के अंदर बीमारी है, कोई समझ लो गाय में बीमारी फैल गई है, तो मेरे को ध्यान है कि इंग्लैंड के अंदर लंदन के वहाँ जितनी गाय थी जितनी गाय उन सबको बाड़े में घेर घेर के इन्होंने जिंदा जला मारा, क्या उस समय गाय में कोई बीमारी आ रही थी कि गाय का मांस खाने से कोई बीमारी होती है, गाय के मांस में क्या नाम था उसका, उस बीमारी का कोई बीमारी थी, गाय को जिंदा जिंदा मार रहा। तो बहुत क्रूर लोग कहने का मतलब है, तो अब ऐसे जीव कहाँ जाते हैं नरक, तो उनकी लंबी लंबी आयु है, भयंकर आयु, एक एक सागर तीन तीन सागर ऐसी आयु, और वो भी नीचे नीचे की जैसे जैसे पत्थर पाथड़ों में जाते हैं तो वो आयु बढ़ती जाती है, पहले की जो उत्कृष्ट आयु है पहले पाथड़े की वो दूसरे की जगह जाएगी। तो यहाँ तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट बता दें कि पहले नरक में कितनी आयु है, 1 साल, दूसरे में 3, तीसरे में 7, चौथे में 10, पांचवे में 17, छठे में 22 और सातवें में 21 साल। अब इनकी जगह नहीं भी निकाल सकते, दूसरे की जगह
एक, तीसरे की जगह तीन, चौथे की जगह सात, पांचवे की जगह दस, छठे की जगह सत्रह, सातवें की जगह बाईस साल, और पहले नरक की जगह वो यहां नहीं दी, वो पहले नरक की जगह देंगे आपको चौथे अध्याय में। देखो चौथा अध्याय निकालो, पेज नंबर 89 निकालो, सूत्र नंबर 36 चौथे अध्याय का। मिला सूत्र नंबर 89, 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, प्रथमायाम माने प्रथम नरक में 10 वर्ष सहस्त्राणी, सहस्त्र माने हजार, 10,000 वर्ष पहले नरक में। अब जगन्नाथ जी अपन ने कैसे निकाला, वो प्रकरण से, प्रकरण यहाँ पे जगन्नाथ का चल रहा था तो उससे उन्होंने निकाला कि पहले नरक में जगन्नाथ कितनी है 10,000, तो पहले की जगह ने बता दी और बाकी सबकी जगह अपन निकाल लेंगे उत्कृष्ट से, और सातवीं की सातवीं की उत्कृष्ट आ गई, सब आ गई, पहले की पहले नरक की जगह आ गई और छः की अपन जगह निकाल सकते हैं और सातों नरकों की उत्कृष्ट आई दे दी। मैंने कोई यदि सात दूसरे नरक में भी चले जाए तो जगन्नायु भी कितनी है उसकी, एक सागर, कम से कम एक सागर तो वहां रहेगा, ज्यादा से ज्यादा तीन सागर ले सकता है, कम से कम तेरह सागर। तो क्या है, एक बात और है कि जो जी सम्यक प्राप्त नहीं करता है तो वो नरक में जाने जाना है उसको पक्का है, भले डायरेक्ट नहीं जाएगा लेकिन वो पंच परावर्तन संसार में घूमते घूमते सब दशाएं प्राप्त करेगी, जीव जो है सब जगह की सैर करेगा, नरक भी जाएगा, स्वर्ग भी जाएगा, मनुष्य भी बनेगा, तिरंच भी बनेगा, तिरंचों में जितने भी प्रकार के जानवर है वो सब क्रम क्रम से बनेगा, क्योंकि परिभ्रमण करेगा तो करेगा क्या, यहाँ से वहीं जाएगा क्यों जाएगा, आज मनुष्य बना है तो हमेशा वो मनुष्य तो रहेगा ही नहीं, कोई दूसरा अच्छे परिणाम करके मनुष्य बनेगा, ये खोटे परिणाम करके तिरंच बन जाएगा, सबको अवसर मिलता है कि नहीं मिलता, दुनिया में जब तक संसार में जीव घूमेगा तो सबको अवसर मिलेगा, जो तिरंच आज तक बेचारे को मनुष्य बनने का अवसर नहीं मिला है वो मनुष्य बनेगा, और ये मनुष्य ले लिया खूब मनुष्य अवस्था में, अब आ जाते तिरंच अवस्था में, नरक में जाएगा कभी, देव में जाएगा, जैसे चार व्यक्ति 84 लाख योनि में घूमने ही है उसको, और कहाँ जाएगा, अरे लड़ने के इतने तीव्र परिणाम होते हैं, ज्ञान चले जाता है, जब लड़ाई तीव्र करता है ना जीव तो लड़ाई में बुद्धि चली जाती, पहले लड़ने वाले लोगों के दिमाग नहीं रहता, एक नियम है, जब लड़ाई करता है ना आदमी गुस्से में आता है तो बुद्धि जो है काम करना बंद हो जाती है, कषाय उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो सोचने समझने से शून्य सा हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है, क्या इसका दोष है कि नहीं है, सही मैं सही चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बस उसको तो लड़ना है। तो ये जो तीव्र कषाय वाले जीव मरते हैं तो इनके ज्ञान भी जो होता है ना हीन सा हो जाता है, तो इन नारकियों के ज्ञान भी कम होता है, इसलिए उनकी इतनी मंद कषाय नहीं होती कि पिछले भाव का याद आ जाए, उनको तो वहाँ जाते ही लड़ने चालू हो जाता है, लगातार थकते नहीं है, थकते नहीं कि अपन सोचो रात दिन, और सोते भी नहीं है, नरक में एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं है, ये एक क्षण के लिए भी चेंज मिल जाए उनको, है हाँ लग, एक एक समय उनको बहुत बड़ा लगता है, पर क्या करें, क्या निकल नहीं सकते, मर नहीं सकते, भूल जाते हैं ना, अरे मैं कहता हूँ नरक छोड़ो, माँ के गर्भ में रहने का जो दुख होता है वो अपरंपार होता है, तो बच्चा बाहर निकलता है सब भूल जाता है, भूल जाता है कि नहीं भूल जाता, उसको याद है कुछ, उसे पूछो क्यों तेरे 9 महीने कैसी दशा थी, कुछ याद नहीं, अरे बचपने के दुख याद नहीं रहते, अच्छा माँ तो चलो बड़ी हो गई, माँ बच्चे को जन्म देती है, जन्म देते समय बहुत भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन वो माँ भी पीड़ा को भूल जाती है, फिर मगर हो जाती है उसी में, कितने ही लोग हार्ट का इलाज कराने जाते हैं, भयंकर दुखी होते हैं, मां दुखी परेशान होते, नियम लेते हैं
अब हम कभी ऐसी चीज खाएंगे पिएंगे नहीं। और अस्पताल से बाहर आके 10-15 दिन में वापस सब खाना पीना चालू हो जाता। अरे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट के 10-15 दिन तक गाड़ी नहीं चलाता आदमी। क्या एक्सीडेंट इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि बिल्कुल माथा हिल गया उसका, दिमाग हिल गया और अब मैं ऐसी गाड़ी कभी चलाऊंगा ही। और महीने भर बाद गाड़ी चलाना चालू करता है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, 2-3 साल बाद पूछो तो फिर तेज गति से रफ्तार से गाड़ी चलाता है। जी कम इतनी फटाफट विषय भोगों में और मगन ऐसा होता है दो मतलब सब भूल जाता है। इसलिए तो उपमा दिए स्वर्ग की कि ये मधुबिंदु का रस ऐसा होता है कि वो भूल जाता है कि मक्खियाँ काट रही है, नीचे 4-4 सांप है, अजगर है या हाथी इसकी जड़ें हिला रहा है, कुछ ख्याल नहीं आती, मगन हो जाता है उसे एक मधुबिंदु के साथ। क्या करें, यही देख लो ना, जीव को दुख नहीं भोगता ऐसी बात नहीं है, अनेक विषमताएं अनेक प्रतिकूलताएं जीव भोगता है, लेकिन थोड़ी सी जहां अनुकूलताएं मिली वो सारे दुख भूल जाता है। क्या फिर वही गाड़ी की स्पीड ऐसी सब काम ऐसी है। जैसे किसी को अपन ने चमकाया, ए तू काम नहीं कर रहा है, फिर नौकरी से निकाल देंगे, थोड़े दिनों काम करने लग गया फिर देखा उसने तो ऐसे ही उन्होंने डराया तो खास बात फिर वैसे ना वैसे हिंदुस्तानी आदमी आदत अपनी ऐसी जीव की दशा है। ऐसा नहीं कि यही कई आदमी है ना, तो आगे की क्या बात करें। गर्भ की दुख यदि याद आ जाए तो जीव संसार का स्वरूप समझ ले क्या है, इसको संसार से विरक्ति उत्पन्न हो जाए। गर्भ के याद आ जाए, अरे बचपन के अंदर बचपन में जीव अपने मलमूत्र को खाता है और अपना मलमूत्र नहीं खाने दिया जाए इसको तो बच्चा उसके लिए रोने लगता है, बच्चा मिट्टी खाने के लिए रोता है, उसकी माँ रोकती है मिट्टी खा के मर जाएगा तू, लेकिन वो अपनी मौत के लिए लड़ता है, जहर खाने के लिए लड़ लेता है। क्या करें, ऐसी अज्ञान दशा अपन ने भोगी, अपन अपने मल में मूत्र में अपन ने उसको चाव से खाया, अपने को यदि आज याद आ जाए दिख जाए तो अपने को उससे विरक्ति हो जाए। और दूसरे बच्चे को देखते हैं लेकिन अपने को ख्याल नहीं आता है कि ये दशा अपनी भी हुई है। क्या संसार में दुख नहीं दिखाई देते हैं, ऐसी बात है रोज रात दिन दिखते हैं, कोई की क्या दशा है, कोई की क्या दशा है, कोई का बच्चा बीमार हो गया है, कोई पीड़ित है किससे, मैंने प्रतिकूलताएं तो क्षण क्षण दिखती है, दूसरे का देखते अपन अपने में अनुमान लगा सकते कि अपनी भी दशा हो सकती है क्षण भर में, लेकिन जीवों को असर नहीं पड़ती, लड़ते रहते हैं भिड़ते रहते हैं चीजें। आदमी सोचने वाला कौन है आजकल, सोचने की फुर्सत किसको है, शांति से 5 मिनट सोचे तो उसमें मगन है। इसलिए नरकों के अंदर कितनी रह लेता है, भूल जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत है जीव के साथ। क्या है, जहां विषय सुख मिला भूल गया, क्या हुआ पहले। तो ये पूरा वर्णन हुआ, देखो ये तो पूरा नरक का वर्णन हो गया अपना, एक 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 चैप्टर में एक गति का वर्णन पूरा हो गया, अधोलोक का वर्णन पूरा हो गया। अब इसके बाद में वर्णन है मध्य लोक का, मध्य लोक में हम आप रहते हैं ना, तो मध्य लोक में क्या है, कौन रहते हैं मध्य लोक में, मध्य लोक में मुख्य रूप से किनका आवास है, कौन सी गतियों का, मनुष्य और तिर्यंच। और उर्ध लोक की जब बात चलती है तो वहां कौन है, देवगति। अब देखो एक आध सूत्र पढ़ लेते हैं हम, लेकिन ज्योतिष लोक भी है, ये सब उर्ध लोक पे पूरा कब्जा उनका ही है ना देव का, मध्य लोक में मनुष्य भी है तिर्यंच भी है, या ऐसे तो अधोलोक में भवनवासी भी है यंतर भी है, लेकिन जो मेजॉरिटी जिसकी तरफ से बात करेंगे तो अधोलोक में नारकी है, मध्य लोक में मनुष्य तिर्यंच है और उर्ध लोक में देव, क्योंकि उर्ध लोक में अकेले देवी है, सिर्फ देव है। और अधोलोक में जैसे ये भवनवासी यंत्रों के आवास छोड़ दो और नीचे जाओ तो नारकी है, और मध्य लोक में भी ये सुमेरु पर्वत तक, सुमेरु पर्वत की छोड़ो अपन जो जिस लेवल पर अपन रह रहे हैं इसके ऊपर छोड़ दो, जिस लेवल पर अपन रह रहे हैं उस लेवल पर कौन है, मनुष्य तिर्यंच ही, ये तो सूर्य चंद्रमा तो ऊपर है। क्या स्थूल अपेक्षा से कहो तो ये भी ऊर्ध दिशा में है ना, जिस लेवल पर अपन है मध्य दिशा में,
इस लेवल पे, तो वो तो केवल कौन है? मनुष्य होते हैं। अब मध्य लोक का वर्णन प्रारंभ करते हैं। वैसे एवासी कि मध्य लोक नहीं आता है, जम्बू के पूरे ज्योतिषी देव जो है वो सब मध्य लोक नहीं आते, क्योंकि सुमेरु पर्वत जितना भी है वो सब मध्य लोक के अंदर है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई मध्य लोक की, सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा है ना उतना ही मध्य लोक ऊंचा है, और ये सब सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देते हैं तो बहुत नीचे ही 790 योजन ऊपर है केवल, यहाँ से 900 योजन तक समाप्त हो जाते हैं। कौन? सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र, और सुमेरु पर्वत तो 1,00,000 योजन ऊंचा है, तो ये सब कहलाते मध्य लोक नहीं। कौन? ज्योतिष देवों के साथ, इनकी भी चर्चा आएगी थोड़ी बहुत इसमें जब देवों की आएगी। देखो अब मध्य लोक का वर्णन प्रारंभ करते हुए सबसे पहले इसी बात की चर्चा करते हैं कि यहाँ है क्या क्या। मध्य लोक का दूसरा नाम तिर्यक लोक भी है, तिरछा तिरछा नहीं हुआ, ऊर्ध लोक एक के ऊपर एक है, अधो लोक एक के नीचे एक, और मध्य लोक तिरछे में फैला हुआ है। ऐसा जैसे अपनी अलमारी एक के ऊपर एक रखते हैं, है कि नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है एक के नीचे, और जो प्लॉट होते हैं वो कैसे होते हैं? तिरछे फैले खूब बड़े विस्तार से। तो ये मध्य लोक के लिए सारा पूरा मध्य लोक एक राजू का एक राजू का चौकोर क्षेत्र। अधोलोक के अंदर पृथ्वियां बड़ी है, ये पृथ्वियां तो लंबी है लेकिन रचनाएं जो है अधोलोक की वो एक राजू का एक राजू नहीं, पृथ्वियां फैली हुई है। पृथ्वियां तो अपनी भी खैर 7 राजू लंबी है, जो मध्य लोक की पृथ्वी है वो पीछे की तरफ जो है वो 7 राजू लंबी है, चौड़ी 1 राजू है। पृथ्वी लंबी है लेकिन जो उस पृथ्वी में जो रचनाएं हैं वो केवल 1 राजू का 1 राजू बीच, बाकी 3-3 राजू पृथ्वी खाली पड़ी हुई है। 7 राजू पृथ्वी लंबी, हर एक जगह 7-7 राजू पृथ्वी लंबी, तो 7 राजू में जो 3 राजू इधर छोड़ दो 3 राजू इधर छोड़ दो, बीच जो 1 राजू है वो, और चौड़ाई में 1 राजू, तो 1 बाय 1 राजू। और सुमेरु पर्वत जितनी ऊंचाई है इतना बड़ा मध्य लोक है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है भाई? 3 डायमेंशन देखेंगे तो जो गहराई है अंदर वो कितनी है? 7 राजू। चौड़ाई कितनी है? 1 राजू। और ऊंचाई कितनी है? 1,40,000। हाँ, इसके अंदर पिक्चर दे रखा है ना, इसमें देख लेना है। एक एक लाख सुमेरु पर्वत जितना मध्य लोक, 1,00,000 योजन और नीचे गहराई भी आपने एक नीचे 1,000 ऊपर 99,000 नहीं जैसे मध्य लोक में नीचे जैसे अधो लोक में पहुंचने के लिए कितनी गहराई में जाना पड़ता है? अधो लोक में नहीं, अधो लोक तो चालू हो जाता है एक्चुअली वहां से 1,000 योजन नीचे से, 1,000 योजन नीचे से अधो लोक चालू हो जाता है, नीचे जाने का उर्दु लोक कितने में चालू हो? 99,000 योजन ऊपर जाने पर। हाँ, 99,000 योजन जिस पृथ्वी तल पे अपन बैठे हैं उससे 99,000 योजन जब ऊपर जाएंगे तो उस 99,000 योजन ऊपर जाने के बाद जहाँ सुमेरु पर्वत समाप्त हो जाएगा उससे 1 बाल अंतर देकर सौधर्म स्वर्ग के विमान चालू हो जाते हैं और वो उर्द लोक खिलाता है। 790 से 900 खत्म, और ये 1,99,000 के बहुत ऊपर है। चौकोर है वैसे तो, चौकोर में है गोल गोल, तो 4 कोने छूट जाएंगे, खाली जैसा गोल बीचों बीच का जम्बू द्वीप का अकेला, बाकी सब चूड़ी के आकार के। देखो थाली को घेर के क्या बनेगी? चूड़ी, चूड़ा के बड़ा सा चूड़ा, जम्बू द्वीप थाली उसको घेर के जितने भी हैं द्वीप समुद्र वो सब चूड़ी के आकार के। ऊपर कहाँ पे बना हुआ है? क्या चीज मतलब? जम्बू द्वीप पूरा गोला है, गोल गोल पूरा गोल जम्बू द्वीप, उसको घेर के लवण समुद्र नहीं ऊपर नहीं है वो, ऊपर नहीं, ये तो द्वीप समुद्र तो सब ऊंचाई की बात नहीं कर रहे, ऊंचा केवल एक सुमेरु पर्वत है, तो अपन ये कह रहे हैं कि ये ऊंचाई जैसे ये ऊंचे चले गए तो अपना कितना एरिया अपनी खिलाएगा, रचनाएं नहीं मिलेगी ऊंचाई,
रचना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कितने ऊपर जा सकते, मतलब मनुष्य कितने ऊपर तक जा सकता है, आकाश में मनुष्य कितने ऊपर तक जा सकता है, नीचे कहां तक जा सकता है, वो मनुष्य लोग कहलाता है। तो मनुष्य 99,000 योजन ऊपर तक जा सकता है और नीचे 1,000 योजन तक जा सकता है। सब मनुष्य नहीं जा सकते, विद्यालय जा सकते हैं, तीर्थंकर का जीव जाता ही है, वो जा सकते हैं, अपन नहीं जा सकते। तो मनुष्य लोग है वो सब, मैंने सुमेरु पर्वत जितना पूरा है, सुमेरु पर्वत की जड़ 1,000 योजन नीचे पृथ्वी में है और सुमेरु पर्वत पृथ्वी से ऊपर 99,000 योजन है, 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। तो जितना 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है, वो अकेला सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा है, बाकी वो कुछ ऊंचा नहीं है, केवल वो बीचों बीच में एक सुमेरु पर्वत है, बाकी पूरी स्पेस है, केवल वो वहाँ है बीच में पर्वत। तो उसके हिसाब से अपन ने माना है कि वो जितना ऊंचा है, चूंकि उसकी चोटी उसकी उसके पर्वत के शिखर पे मनुष्य चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी जगह भी इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। बाकी स्पेस है तो अपन ये कह सकते हैं कि इतनी ऊंचे तक आदमी जा सकता है। ये अभी अपने को देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपको दिखाया था मैं चलते एक आध बार कभी, लेकिन ये सब दूर दूर है। क्या ये सारी रचनाएं 40-40 करोड़ मील दूर, यहाँ से 20-20 करोड़ मील दूर। अब 20 करोड़ मील दूर ना तो विज्ञान की पहुंच है और ना अपने पास कोई यंत्र है कि जहाँ से अपन चले जाए। जितनी भी खोजें होती है उसे ऊपर होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम खोज। सब एक राज्य के अंदर है, देखो तो बड़ा है। एक राज्य कोई कम कोई नहीं है, एक राज्य किसको कहते हैं? गोला गोला होता है ना, गोला। आप एक चौकोर लाइन खींचो, मंडप मानते हैं ना अपन, तो मंडप चौकोर होता है और आखिरी जो गोला होता है वो मंडप की चारों दिशाओं को टच करता है। ऐसा गोला बनाते ना अपन, तो जब गोल बनाते तो चारों दिशाओं को टच करता हुआ चार कोने छोड़ देता है। तो वो जो आखिरी का गोला जो अपन ने बनाया और फिर एक अंदर गोला और बनाना पड़ेगा उसका, और वो जो बीच का मोटा है वो अकेला आधा राजू का है, क्योंकि दूना दूना है ना ये सब, तो आखिरी वाला दूना है आधा राजू का, उससे एक चौथा, उससे आधा मैंने आखिरी वाला एक अकेला, आखिरी वाला अकेला स्वयंभू रमण समुद्र आधे राजू का है। गणित होता है, गणित है देखो, एक और दो और चार, तो एक दो और चार कितने हुए जोड़ो तो सात, इसमें एक और जोड़ दो तो 8 आ जाएगा, और अब 1, 2, 4, 8 जोड़ो आप कितने होंगे, एक और जोड़ दो क्या जाएगा 16, फिर और ऐसे 16 में 16 हुए ना, फिर इसमें 16 और जोड़े 15 हुए, 15 में अपन ने 16 और जोड़ दिया अगले 16, तो क्या हो जाएगा 31, एक और जोड़ दो 32। तो ये नियम है गणित का कि अगली राशि निकालने के लिए केवल एक जोड़ना पड़ता है। तो जितने पहले का जितना जोड़ आएगा, माने आखिरी द्वीप के पहले का जितना जोड़ होएगा उसमें 1,00,000 योजन जोड़ दो तो अगले का आ जाएगा। तो पीले के जितने द्वीप समुद्र है वो सब आधा राजू है, आधे राजू में 1,00,000 योजन कम क्या, और अगला वाला जो है वो 1,00,000 योजन है, वो पूरा आधा राजू हो गया। वो समझ में आई बात, सारे द्वीप समुद्र एक तरफ और अकेला आखिरी का होता है एक तरफ, ये गणित के फॉर्मूले है। कभी भी दूने दूने जाएंगे तो पहले की जितनी भी राशि है उन सबका जोड़ और उसमें भी जोड़ेंगे और, तब वो अगला वाला आएगा। एक जोड़ना पड़ता है उसको, तो 1,00,000 पहला जम्बू द्वीप है, फिर उसको तो घेर के क्या है धातीखंड दूना 2 है 2,00,000, फिर उसको घेर के सॉरी लवण समुद्र 2,00,000, उसको घेर के धातीखंड 4,00,000, फिर 8,00,000, फिर 16,00,000, तो सब दूने दूने हो रहे हैं ना, तो इनका सबका जोड़ करेंगे मिला के तो वो अकेला आधा राजू निकलेगा। तब तो वो आधा राजू बनेगा, यदि वो ज़्यादा हो जाएगा तो अगले वाले को देंगे क्या? समझ में नहीं बात, नहीं आई है, नहीं आई खत्म, मनुष्य खत्म हो जाएंगे, तिरंग चलेंगे फिर आगे, तिरंग चे तिरंग।
अच्छा त्रियंचो सब भरे पड़े हैं, वहाँ भी त्रियंचे बड़े बड़े चार कोने में भी त्रियंचे, प्लेन जमीन है लेकिन त्रियंच वहाँ भी है, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंचेंद्री त्रियंच है चार कोने में भी। त्रियंच तो भरे पड़े हैं, बस इतने ही है कि बीच के जितने असंख्या द्वीप है इनमें बहुत भूमिया त्रियंच है। आखिरी जो स्वयं ब्रह्मण द्वीप और स्वयं ब्रह्मण समुद्र उसमें अकेले में कर्म भूमिया त्रियंच है, बाकी सब में बहु भूमिया त्रियंच है, समुद्रों में कोई नहीं, समुद्र खाली पड़े। अरे भोग भूमि में कुछ नहीं करना पड़ता आराम से, दस प्रकार की कलर, हाँ उनको भी घास मिलती है चढ़ने को आराम से, ऐसा नहीं कि किसी का वजन लाद के जा रहे हैं फिर उनको बेचारों को घास खाने को मिले। त्रियंचों को क्या होता है, काम करना पड़ता है उनको भी यहाँ पे, उसके बिना कोई नहीं देता उनको, गाय दूध देना बंद कर देते लोग। समुद्र जो है केवल यहीं तक है, ढाई द्वीप तक, उसके बाद सब समुद्र जीवों से रहते। आखिरी स्वयं ब्रह्मण समुद्र में बीच के समुद्र सब खाली है जीवों से, त्रस जीवों से रहित है, इसलिए तो क्षीर सागर का जल लाके डाल देते हैं, उसको छानते तो ही नहीं, इतना बड़ा छन्ना लगाएंगे नहीं तो वहां से वहां तक, लेकिन वो क्षीर सागर का रहता है, वो यहाँ की बाल्टियों का नहीं। यहाँ भी जब कलश करते हैं लोग ऐसे ही सीधे सीधे ढोल देते हैं, बाकी वो क्षीर सागर का जल होता है जिसको कि छानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, प्राचीन होता है उसमें जीवन पत्ती नहीं होती। स्थावर तो एकेंद्रीय ही ना, जल का ही खुद ही, और कौन सा होगा, और की चिंता तो ही नहीं करते अपन, पानी छानते हैं केवल त्रस की चिंता करते हैं, उसमें दो इंद्रिय कीड़े रहते हैं उसमें पानी के, वैसे बहुत खतरनाक है वो, तो किसी ने मूवी वूवी देखी हो पानी के अंचने पानी की, मतलब वो तो ठीक है, मैंने कभी पुरानी किताब पढ़ी थी उसमें पूरा आया था कि अंचने पानी के अंदर कितने कितने तरह के कीड़े होते हैं और वो कीड़े शरीर में घुस के पूरे शरीर को खा जाते हैं, पानी के साथ में कीड़ा चले जाता है ना अंचना, तो वो कीड़ा भयंकर जीव को दुख देता है, इसलिए अंचना पानी तो बहुत खतरनाक होता है शरीर के लिए, तो बहुत ही खतरनाक पानी में एक तरह का मतलब पानी जो अंचना पानी है, अंचने पानी के अंदर कीड़े रहते ही रहते हैं, कीड़े शरीर में घुसते हैं और शरीर को खोखला कर देते हैं फिर अंदर से। जैसे पानी तो कभी भी अंचना किसी भी स्थिति में पीना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और छान के उसको उबाल के पीना चाहिए। खैर तो बात क्या थी कि ये उन जल में नहीं होते, दो इंद्री में, हाँ तो वो जल का जीव तो है ही, वो जल तो है, हाँ वो जल का जीव है, जल स्थावर तो है, वो स्थावर से मना नहीं किया, तो पानी को अपन छानते स्थावर की रक्षा के लिए थोड़ी नहीं है, पानी छाना जाता है त्रस की रक्षा के। भोगभूमि है ना, सब में भोगभूमि है, टोटल भोगभूमि है। आखिरी जो है स्वयं ब्रह्मण द्वीप है, उसका आधा जो है आधा भोगभूमि है आखिरी स्वयं ब्रह्मण द्वीप में, और आधे में कर्म भूमि है, फिर उसके बाद जो स्वयं ब्रह्मण समुद्र है वो पूरा कर्म भूमि है, और चार कोने भी कर्म भूमि है, बाकी बीच के जितने भी द्वीप है ढाई द्वीप के बाद वो सब भोगभूमि की रचना, माँ के त्रियंचों को आराम से खाने मिलने को मिलता है। अरे ये विदेश क्षेत्र तो सब यहाँ है मध्य लोग के ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप के बाहर की कहने, हाँ हाँ जगन में भोगभूमि जैसी रचना है, वहाँ जगन हमेशा शाश्वत, हाँ त्रियंच त्रियंच कोई मतलब वो त्रियंच जो है जिस त्रियंच यहाँ है त्रियंच तो वहाँ भी वही रहेंगे। समुद्रों के अंदर अंतरद्वीप है जो दो, लवण समुद्र और कालो नदी समुद्र जो है, तो लवण समुद्र के अंदर जम्बूद्वीप के किनारे पर 24 अंतरद्वीप है, एक एक दिशा में विदिशा में तीन तीन, तो चार दिशा और चार विदिशा है तो आठ है ना, हर एक में तीन तीन तो कितने हो गए 24 जम्बूद्वीप के किनारे, 24 लवण समुद्र के किनारे, ऐसे 48 अंतरद्वीप है लवण समुद्र में और 48 ही अंतरद्वीप है कालो नदी समुद्र में, 24 तो धातकीखंड द्वीप के निकट और 24 पुष्करवर द्वीप के निकट, 50-50 100 योजन की दूरी पर, यानी जो तट होता है ना धातकीखंड द्वीप का जो तट है उससे 50-100 योजन की दूरी पर द्वीप होते हैं अंदर, उन द्वीपों में ये कर्म ये भोगभूमि है, तो उधर की साइड भी है इधर भी है, बीच में नहीं है ये जो
द्वीप है ये तट के बिल्कुल पास में 150 योजन दूर, दोनों तटों के पास में। उधर से जाएंगे तो पुष्करवर द्वीप मिलेगा और इधर से देखेंगे तो धातृखंड द्वीप मिलेगा। तो 24 इस तट के निकट है, 24 उस तट के निकट है, हर एक दिशा विदिशा में तीन तीन है। तो 24 24 48 रोड 48 रोड इसे 96 जो है ये कुभूमि है, अंतरद्वीप के लाते हैं। भूमि वाले तो बहुत बहुत ही सज्जन होते हैं, पीत पद्म शुक्ल ऋषि होती है उनकी, सब स्वर्ग जाते हैं और कोई उनके हिंसक तो सवाल नहीं उठता। ये कर्म भूमि का प्रभाव है हिंसक बना। ये जो शेर वगैरह थे ना, ये शेर भी हिंसक नहीं थे पहले, ये शेर धीरे धीरे हिंसक हो गए। शेर तो बहुत अच्छा था नहीं तो पहले, लोग पालते थे उसको। हाँ आज नहीं है, बहुत करोड़ों साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी अभी की नहीं कर रहा। एक कोड़ा कोटी सागर बीत गया, इतने साल पहले की बात चल रही है। एक कोड़ा कोटी सागर पहले शेर वगैरह सब हिंसक जानवर नहीं थे। फिर एक दिन दहाड़ है, थोड़ी इन्होंने आवाज़ करी तो लोगों को डर लगा कि क्या करने लग गए, आज थोड़ा इनका रुक बदला बनना है। तो उन्होंने वहाँ के राजा से शिकायत करी कि महाराज ये हिंसक ये जानवर क्या करने लग गए, ये आजकल हमको आंखें दिखाने लग गए। तो उन्होंने कहा कि अब इन पर विश्वास मत करना, अब इनकी परिणति में परिवर्तन आ रहा है, जो गोभूमि थी वो अंत हो रही है और अब ये भी बदल रहे हैं, इसलिए अब ये विश्वास करने लायक नहीं, जितने भी दाढ़ वाले जानवर हैं इनसे दूर रहना। फिर उन्होंने दूर रहना सीख लिया। ऐसा दाढ़ होती है इनकी, जैसे शेर वेर की दाढ़ होती है, लोग खा जाते हैं उसे दाढ़, मतलब वो मतलब जिससे हिंसक जानवर जो मांसाहारी होते हैं ना, हाँ तीखे होते हैं उनके मांसाहारी। गोभूमि में नॉन वेजिटेरियन कोई नहीं है, ये तो कह रहा हूँ। शेर जो है वो मांस नहीं खाता है, शेर जो है वहाँ की मीठी पसली अच्छी मीठी मीठी घास खाता है शेर भी। गाय तो घास खाएगी, गाय को क्या मांस खिलाना है। गाय है घोड़ा है तो घास खाते ही है, लेकिन शेर वहाँ की मीठी होती है, अच्छी पौष्टिक होती है, अमृत समान मधुर होती है और ये तिरन चुसी का भक्षण करते हैं। आज अपने को बड़ा अटपटी लग रही बात है। कुभूमि में तो वही कुभूमि में ही फल मिट्टी खा के जीवन काट रहे, फल खाते हैं वहाँ के पेड़ पत्ते खाते हैं। कुछ इसलिए क्योंकि उनकी आकृति विचित्र होती है ना, शरीर का आकार प्रकार बड़ा विचित्र होता है, धर्म की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, धर्म तो केवल भूमि में भी नहीं होता, लेकिन ये सब खोटे दान के फल में पैदा होते हैं और इनका शरीर जो है इनके चेहरा जानवरों जैसा होता है और धड़ जो है आदमियों जैसा होता है और ये बिल्कुल जंगली जानवरों जैसे रहते हैं, मतलब इनमें कुछ भी सभ्यता नाम की चीज़ नहीं रहती है। ये जो है गुफाओं में रहते हैं, पेड़ पत्तों पे रहते हैं, ये पेड़ों के पत्ते खाते हैं, फल खाते हैं, पुष्प खा लेते हैं, मिट्टी खा के ऐसे आदिवासी जैसा जीवन यापन करते हैं, सब स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग का इतना मत करो क्या कि स्वर्ग जाते हैं, परंतु उस समय तो उनकी कोई दशा अच्छी नहीं होती, धर्म की कोई वहाँ पे सुविधा नहीं। वो जो हो सकता है कोई मना नहीं है, लेकिन वहाँ निमित्त सामग्री नहीं है, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, देवशास्त्र का समागम नहीं है, कोई पूर्व भाव का देव वहाँ के आ जाए उसको संबोधने आ जाए तो वहाँ तो लगे कोई मुनिराज चले जाए यहाँ से, वहाँ जैसे आदिनाथ भगवान की जीत को चले गए थे, दो मुनिराज संबोधन, एक मुनिराज संबोधन चले गए ना, तो वो एक अलग चीज़ है। इन जनरल व्यवस्था ये कि वहाँ कुछ नहीं, ठीक है, बाकी अपन अगली बात करें।